यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले 26 साल के रवि कुमार सियाग ने देश भर में 18 रैंक हासिल किए। लेकिन ये उनका पहला मौका नहीं है जब रवि ने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किए। रवि कुमार सियाग ने इससे पहले भी साल 2018 में 337वीं और साल 2019 में 370वीं रैंक हासिल कर सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए रवि लगातार मेहनत करते रहे और इस बार उन्होंने न सिर्फ 18 रैंक हासिल कर अपने सपने पूरा किया, बल्कि हिंदी मीडियम में देश भर में पहली रैंक हासिल की है। रवि कुमार सियाग अभी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में काम कर रहे हैं। पुणे में रह रहे रवि कहने कि लगातार पढ़ाई से ही उन्हें सफलता मिली है। यूपीएससी परीक्षा 3 बार क्रैक कर चुके रवि कुमार सियाग के पिता राम कुमार सियाग आज भी गांव में खेती करते हैं, जबकि इनकी मां विमला देवी गृहिणी है। रवि कुमार सियाग 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से रवि की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई थी। साल 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से रवि ने घर पर रहकर खेती के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। रवि कुमार सियाग ने साल 2018 में अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा पास की थी, जिसमें उन्हें भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए चुना गया था। इसके बाद उन्होंने 2019 में एक बार फिर परीक्षा पास की थी, जिसके बाद उन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय में चुना गया। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही रवि ने एक बार फिर से यूपीएससी परीक्षा पास कर अपने पिता के सपने को पूरा किए। श्रीगंगानगर के रहने वाले रवि कुमार सियाग ने न सिर्फ 18 रैंक हासिल कर अपने सपने को पूरा किया है, बल्कि हिंदी मीडियम में देश भर में पहली रैंक हासिल की है।